हेलो एवरीवन आई एम तृप्ति वेलकम टू एनपीसी द चैनल वे यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ओम स्लो ओके चैप्टर नंबर थ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक ओम स्लो एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये काफी इम्पॉर्टेंट है बाकी जो भी न्यूमेरिकल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ओके सो स्टे स्टेट एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ohms law first of all we will understand the statement of this law. Okay, then uh, one by one step by step deduction of this law and at last we will discuss the limitations of ohms law Okay, first में हम statement read करेंगे, फिर ओम्स लॉ को deduct कैसे किया जाता है वो देखेंगे and at last हम limitations ओम्स लॉ की कुछ limitations होती है वो देखते हैं ठीक है सो ओम स्लो सो ओम स्लो ये कहता है कि अंडर अ डेफिनेट फिजिकल कंडीशन ठीक है मीन्स आप इस लो को अप्लाई करने के पहले ये कंडीशंस फॉलो कर लें कंडीशंस देख लें ठीक है अंडर अ डेफिनेट फिजिकल कंडीशन फॉर एग्जांपल कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर कांस्टेंट प्रेशर भी ले सकते हैं ठीक है द करंट फ्लोइंग

बैटरी के थ्रू आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस आपने सपोज किया वी ठीक है ये पॉजिटिव टर्मिनल ये हायर पोटेंशियल होता है ये लोअर पोटेंशियल होता है एंड करंट विल फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ हायर टू लोअर पोटेंशियल ठीक है मीन्स करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी ओके सो सपोज आपने करंट I को यहाँ पर फ्लो करवाया इस कंडक्टर में करंट I फ्लो किया थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V ठीक है आपने अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट फ्लो हुआ I देन अकॉर्डिंग टू ओम स्लो ओम स्लो के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ओम स्लो I इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू V, और वी कैन से V इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू I. हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है एंड वैन रिमूव दिस प्रपोर्शनैलिटी साइन वी टेक अ कॉन्स्टेंट टर्म एंड आर हि द रजिस्टेंस ठीक है आर को क्या बोलते हैं आप रेजिस्टेंस एंड विच इज द ऑपोजिशन फैक्टर ओपोजिशन फैक्टर मीन्स करंट फ्लो होता है कंडक्टर में ठीक है तो कंडक्टर के इंटरनल या फिर आप एक्सटर्नल फैक्टर भी बोल सकते हैं एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर के कारण ये करंट को अपोज करने वाला करंट को ऑब्सट्रक्ट करने वाला करंट को रोकने वाला एक फैक्टर होता है एंड विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ठीक है इस फैक्टर को जो करंट का विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं आप रेजिस्टेंस ठीक है नाउ रेजिस्टेंस यहां से क्या हुआ आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई ओके सो द यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस यूनिट क्या हुई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है वोल्ट एंड आई की एम्पियर ठीक है वोल्ट पर एम्पियर और इसी को बोलते हैं हम ओम ठीक है ओम स्लो ने एक अपोजिशन फैक्टर आर दिया ठीक है और उसका यूनिट ओम्स उनके नाम पर ही ओम रखा गया ठीक है और इसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरह का ठीक है ये रेजिस्टेंस का सिंबल है अब देख पा रहे हैं आप कि आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई ठीक है रेजिस्टेंस यहां से हमने इस फॉर्मूले से जनरेट किया तो आर रेजिस्टेंस आपके पास आया वी बाई आई तो आपको लग रहा होगा रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और आई पे डिपेंड करता है क्योंकि ये फॉर्मूले जो है वो जनरेट हुआ है इससे ठीक है बट आर इज इंडिपेंडेंट रजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टू फैक्टर ठीक है इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई रजिस्टेंस की वैल्यू वी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट पर डिपेंड नहीं होती है ये डिपेंड होती है किस पे होती है फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडक्टर के मटीरियल पर इसके नेचर पर ठीक है स नेचर ऑफ मटीरियल सेकेंड आप बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर के डायमेंशंस पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है लेंथ क्या है ठीक है सो डायमेंशंस ओके एंड थर्ड फैक्टर भी ऐड हो जाता है यहां टेम्परेचर क्योंकि ओम स्लो के अकॉर्डिंग आपने फिजिकल कंडीशंस जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ओम स्लो वैलिड है अदरवाइज नहीं है ठीक है ये बात समझ पा रहे हैं ये जो आर कांस्टेंट है आपका ये कब है जब आप इस कंडक्टर में करंट सप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं अक्रॉस इट्स कंडक्टर बट वैन द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट अगर आपने टेम्परेचर को इनक्रीज या डिक्रीज कर दिया तो आर जो है वो चेंज हो जाएगा आर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगा फिर वो वेरिएबल हो जाएगा एंड फिर आपका ओम स्लो फॉलो नहीं होगा ओके okay. आ रहा समझ में तो ओम स्लो के अकॉर्डिंग अगर आप ग्राफ प्लॉट करें ठीक है वी वर्सेस आई के बीच आप अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा होगा स्ट्रीट लाइन ठीक है ये जो स्ट्रीट लाइन है ये शो कर रही है कांस्टेंट रेजिस्टेंस ठीक है अब अगर आई और वी फैक्टर के कुछ कॉम्पोनेंट ले लें जैसे ये जो है ये वाई एक्सेस आई के लिए तो यहाँ आई करंट की कुछ वैल्यू ले लें ठीक है ये एक्स जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस वी के लिए सो डेल वी ले लें सो so, यहाँ पर जो आपका स्लोप आया ठीक है टेन थीटा जो है वो क्या होगा आर और वो कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का हमेशा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है ठीक है और यहां से डेल वी बाई डेल आई यही टेन थीटा है और यही आर है आर जब कांस्टेंट हो तब आपका जो ग्राफ मिलेगा इन दिस वे ठीक है स्ट्रेट लाइन ओके okay. नाउ <coughs> कुछ डिवाइसेस जो कि ओम स्लो को फॉलो करती है एंड उनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू आई एंड वी ठीक है आई की वैल्यू एंड वी की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आर कांस्टेंट मिलता है उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं ओम मिक डिवाइसेस ठीक है मींस विच डिवाइस विच ओबे ओम्स लो ठीक है उनको क्या बोलते हैं आप ओमिक डिवाइसेस ओके एंड कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती है जो ओम्स लो को फॉलो नहीं करती है मीन्स उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है ठीक है सो विच डिवाइस डज नॉट फॉलो ओम्स लो इन डिवाइसेस को क्या बोलेंगे आप नॉन ओमिक डिवाइसेस ठीक है नॉन ओमिक डिवाइसेस ओके ये सारी बातें क्लियर है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टेटमेंट लिया ओम स्लो का ठीक है देन हमने एक कंडक्टर लिया उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लिया देन करंट फ्लो हुआ सो so, ओम स्लो के अकॉर्डिंग आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी सो वी इज रिक्स टू आर आई मिला आपको आर इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द अपोजिशन फैक्टर ऑफ फ्लोइंग द करंट ओके आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई हुआ आर की यूनिट ओम होती है एंड सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई ठीक है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की वैल्यू पर आर डिपेंड नहीं करता है इट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल डायमेंशंस एंड टेम्परेचर ये थ्री फैक्टर्स हैं जिन पर आर डिपेंड करता है ठीक है इस जो डिपेंडेंसी का पूरा फॉर्मूला है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें मैंने रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है उस पर हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डीप में रेजिस्टेंस को ठीक है नाउ ग्राफ प्लॉट किया हमने स्ट्रेट लाइन मिला आपको रेजिस्टेंस के लिए ठीक है कॉन्स्टेंट रेजिडेंट के लिए एंड ओम स्लो जो डिवाइस फॉलो करती है उनको ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं और जो डिवाइसेस ओम स्लो को फॉलो नहीं करती है उन्हें नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं ठीक है क्लियर है यहाँ तक अब हम ओम स्लो का डेरिवेशन प्रूफ करेंगे ओके नाउ डेरिवेशन ऑफ ओम स्लो ओके इसके लिए हम हमारे लास्ट लेक्चर में जाते हैं लास्ट लेक्चर में हमें जो भी फार्मूलेज डिराइव किए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम सारे फार्मूलेज यहाँ पर रिटर्न कर लेते हैं पहले ठीक है फिर हम देखते हैं कि ओम स्लो को किस तरह से डिराइव किया जा सकता है ठीक है तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया था सो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल्स टू क्या हुआ था डेल क्यूब डेल डेल्टी ठीक है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डेल क्यू बाई डेल टी करंट हुआ ठीक है एंड नाउ करंट डेंसिटी स्टडी किया था जे इज इक्वस टू आई बाई ए करंट पर यूनिट एरिया एंड देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने जनरेट किया था सेकेंड लेक्चर में वी डी इज इक्वस टू क्या होता है ई कैपिटल ई टाउ बाय ओके वेर ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर्स होते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं एंड कैपिटल ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के टू सक्सेसिव सक्सेसिवलीजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसे ही बोलते हैं आप रिलैक्सेशन टाइम एंड हियर टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम

ए इस तरह से ठीक है तो ये फॉर्मूलेस हमने जनरेट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में अब इन्हीं फॉर्मूले में से हमें कुछ फॉर्मूलेस यूज़ करना है ताकि हम ओम स्लो को डिडक्ट कर सकें ठीक है तो ओम स्लो ये तो पता है आपको कि वी बाई आई इज टू आई मीन्स ओम स्लो में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए एंड करंट होना चाहिए तो इस फॉर्मूले में आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर आप कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर ले तो किस फॉर्मूले से कर सकते हैं ये फॉर्मूला लेके चलते हैं हम i का क्योंकि i यहाँ पर इंक्लूड है i इज इक्वल्स टू एन ई वी डी एके हमने ये फॉर्मूला ले लिया ओके नाउ एन ई वी डी जो है ड्रिफ्ट लग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है तो वी डी के प्लेस पे हम ये पुट कर देते हैं ठीक है ये वैल्यू पुट कर देते हैं ई e, टाओ e, बाई एम इन टू ए अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन इस तरह से दिया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस डिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ एल ठीक है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था सो एन ई स्क्वेर हुआ ई e के प्लेस पे आप वी बाई एल रख दें सो वी बाई एल एंड टाउ एंड एकेर एन ई स्क्वेर टाउ ए बाई एम एल इंटू वी ओके तो यहाँ से आपको वी बाई आई ठीक है आप वी को यहाँ यहीं पर रहने दें आई यहाँ पर डिनोमिनेटर में रख लें तो ये वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएगी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की वैल्यू सो एम एल बाई एन ई स्क्वेर टाउ डॉट ए ओके okay, आपको ये फॉर्मूला ये इक्वेशन मिली v बाई ए एंड दिस टर्म विल बी कॉन्स्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक है सो वी हैव v बाई आई इज इक्वल्स टू आर एंड दिस इज द कॉन्स्टेंट और ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया किसका ओम स्लो का नाउ m m इज द मास ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ये जो पूरी वैल्यूज है ये मैंने कॉन्स्टेंट क्यों लिखी है तो मैं आपको समझाती हूँ वन बाई वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मास तो चेंज नहीं होंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा नाइन पॉइंट वन इंटू टेन पावर माइनस थर्टी वन के जी ठीक है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता है सो इट इज अ कॉन्स्टेंट टर्म एल एल जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी चेंज नहीं होगा जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर भी चेंज नहीं हो सकता ओके एंड हियर एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट एरिया सॉरी यूनिट वॉल्यूम ठीक है यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये वैल्यू भी चेंज नहीं होना है ओके टेम्परेचर चेंज होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो सकते हैं बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ एन विल बी कांस्टेंट ओके हियर इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये तो हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट एंड 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन ओके कुलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ओके टाओ इज द रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम भी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो टाऊ भी कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो टाऊ जो है टाऊ मीन्स जो कुलीजन होगा वो इंक्रीज होगा कुलीजन ज़्यादा होंगे और कुलीजन ज़्यादा होगा तो टाऊ डिक्रीज करेगा ठीक है ये पूरा डिटेल में हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अभी रिलैक्सेशन टाइम टाउ ओके एंड ए इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर एरिया ऑफ कंडक्टर भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो एरिया ऑफ कंडक्टर भी चेंज नहीं होना है ओके okay. तो ये सारी क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट है तो हमने इन सभी के लिए एक पर्टिकुलर टर्म एक कॉमन टर्म आर ले लिया विच इज द रजिस्टेंस ओके मीन्स रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आपको यहाँ से मिली आर इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इन टू एके मींस रजिस्टेंस की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है मटीरियल पर एंड डायमेंशन एल एंड ए यहाँ पर क्या है ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर हैं ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स हैं इन पर भी डिपेंड करती है एंड नेचर पर भी डिपेंड करती है एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो हमने इंक्लूड किया हुआ ही है ठीक है तो ये थ्री फैक्टर्स हैं जिन पे आर की वैल्यू डिपेंड करती है और इससे आप नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे ठीक है नाउ लिमिटेशंस ऑफ ऑम्स लो कुछ लिमिटेशंस होती है ओम्सलो की वो देखते हैं क्योंकि हर डिवाइस ओम्सलो को फॉलो नहीं करती ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर ओम स्लो किस तरह से आपको मिलेगा तो एक्चुअली अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया या फिर बोल सकते हैं कि करंट को इंक्रीज कर दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो करंट इंक्रीज हो जाए तो हाई करंट के लिए जो वी एंड आई के बीच ग्राफ मिलेगा आपको इनिशियली तो वो स्ट्रेट होगा बट आफ्टर समाइम इट विल बी अ करव ठीक है ये कर्व बन जाएगा आपको एक कॉमन कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ पर ओके okay, सो so, ये हाई टेम्परेचर पर जो भी कंडक्टर्स हैं वो ओम स्लो को फॉलो नहीं करेंगे ओके फर्स्ट क्लियर है सेकंड। सेकंड कंडीशन में ये है कि कुछ सेमी कंडक्टर डिवाइस होती हैं सेमी कंडक्टर जैसे डायोड ठीक है diode, ये भी ओम स्लो को फॉलो नहीं करती क्यों क्योंकि इनमें करंट और वोल्टेज के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो इसमें वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू को भी कंसिडर किया जाता है ठीक है कुछ टाइम के लिए तो कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस होगा बट आफ्टर टाइम द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए ठीक है ये वोल्टेज है आपका ये आई करंट करंट यहां पर फॉरवर्ड फॉरवर्डवाइज बोलते हैं पॉजिटिव के लिए फॉरवर्डवाइज इसको मिली एम्पियर में एंड रिवर्स वाइज के लिए माइक्रो एम्पियर में ये सेमीकंडक्टर डिवाइस का पूरा एक चैप्टर है सेपरेट वो हम आगे लेकर आएंगे ठीक है फिलहाल हम थोड़ा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही गेन करते हैं यहाँ से तो यहाँ पर आई और वी के बीच में ग्राफ इनिशियली तो जीरो है बट आफ्टर सम टाइम इट विल बी इंक्रीज एंड रिवर्स वाइज में भी ये इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा ठीक है ना थर्ड कंडीशन गैसेस में गैसेस के लिए जो ग्राफ होगा वो डिक्रीज भी होगा ठीक है वोल्टेज और करंट के बीच में अगर आप ग्राफ प्लोड करेंगे फॉर द गैसेस तो वो ग्राफ इस तरह से होगा इनिशियली इंक्रीज किया इंक्रीज किया आफ्टर सम टाइम इट विल बी हाई एंड देन एंड देन इट विल बी डिक्रीजेस ठीक है ये डिक्रीज हो गया तो इस तरह से आपको गैसेस के लिए ग्राफ मिलेगा ठीक है तो ये कुछ लिमिटेशंस है यहां पर